हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और ये देखिए सुबह का वीडियो क्लिप है और मम्मी बाहर में निकली हुई थी और यहाँ पे टिया और गोलू सोए हुए हैं, मेरा भाई और मेरी बेटी सोए हुए हैं। और मैं आज जल्दी मैं नहीं उठती हूँ, देर हो जाता है मुझे उठने में, लेकिन आज मैं जल्दी उठ गई थी। तो यहाँ पे आलू जो है सो मम्मी कम गाँव से आलू लाई थी तो वो वाला सड़ रहा था, तो उसको मैं देखिए छाट कर साइड कर ले रही हूँ। और प्याज भी गांव का है तो वो वाला भी साइड कर दूँगी और यहाँ पे सरिया कर रख दूँगी। दूसरे रूम में रखा हुआ था चौकी के तर, तो वहाँ पे ज़्यादा गर्मी ज़्यादा हो गया था, तो इस गर्मी ज़्यादा इधर बढ़ गया है फ्रेंड। तो गर्मी में आदमी लोग का तो हालत ख़राब हो रहा है, तो ये आलू और प्याज तो नॉर्मल चीज़ है, तो ये सब ख़राब हो रहे थे। तो वो वाला फिर रूम से दूसरे रूम में ला के रखा गया, चौकी तर था तो वहाँ से फिर इस रूम में ला के रखा गया है। तो यहाँ पे गोलू ला कर धर दिया है, उसके बाद में मैं यहाँ से जो भी सड़ा हुआ है सब निकाल दूँगी। तो आलू ज़्यादा सड़ा हुआ नहीं था, प्याज ज़्यादा सड़ रहा था, तो प्याज को भी मैं रख दूँगी। आज ज़्यादा दिन लाए हुए नहीं हुआ है ये गाँव से, 10-15 दिन पहले ही आया है, तो यहाँ पे मैं साइड कर ले रही थी। और सुबह में मैं उठ गई थी और यहाँ पे ब्लॉग में मन मर्जी बनाती हूँ, मुझे मन होता है तब, जैसे मैं सुबह में उठ जाती हूँ तभी मैं ब्लॉग बना पाती हूँ, और नहीं उठती हूँ तो फिर नहीं मैं बनाती हूँ, क्योंकि मेरा लेट हो जाता है सुत के उठने में। मम्मी उठ जाती है 5 बजे या 6 बजे उठ जाती है, वो उसको भी जब नींद टूटता है उसी समय उठ जाती है, लेकिन वो 6 बजे से पहले ही उठ जाती है और मेरा 8, 8:30, 9 बज जाता है कभी उठने में, और कभी जल्दी उठ जाती हूँ। लेकिन आज जल्दी उठ गई थी क्योंकि मैं जल्दी उठ गई थी, और उसके बाद में यहाँ पर देखी कि मम्मी लगी हुई थी, तो मम्मी सभी जगह झाड़ू लगा ली है और झाड़ू लगा रही थी। और झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पर मैं प्याज और आलू में बोली कि मैं कर देती हूँ, सरिया देती हूँ, तो इस रूम में झाड़ू बचा हुआ था तो इस रूम में मैं झाड़ू लगा दे रही हूँ। और यहाँ बोरा वोरा सब निकला हुआ था तो बोरा को मैं डाल दे रही हूँ बोरी में। और अभी मेरे मायके में भी काम लगा हुआ है, तो अभी सभी सामान इधर उधर पड़े हुए हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा, और मैं होम टूर भी करवाऊँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा ही सामान इधर उधर है तो अभी ठीक नहीं लग रहा है। और अभी काम लगने वाला है काम, अभी मिस्त्री सब जो है सो अभी नहीं आ रहे हैं, तो आप लोगों को दिख रहा होगा, पहले मेरा मायके में नहीं था, अभी मार्बल लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए मैं आलू को बढ़िया से सजा दी हूँ, और यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा लग रहा, देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, सड़ा हुआ जो आलू था और प्याज मैं निकाल दी हूँ, और गोलू उठ गया था। और यहाँ पे देखिए सुबह में मेरी मम्मी मछली लाया था बेचने के लिए, 8 बजे का है तो 8, 8:30 बजे मछली बेचने के लिए आया था, तो यहाँ पे गोलू उठ गया था। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बड़ा मछली रखा हुआ है, तो ये 3 किलो का था, तो 3 किलो नहीं मम्मी 2 किलो मछली ली, इसमें से थोड़ा सा कट करके रखाया हुआ है। और इधर दूसरे मछली वाले भैया दूसरा मछली भी दिखा रहे थे, मम्मी बोली कि वो वाला भी दिखाइए, एक और है उससे छोटा होगा था ले लेंगे, लेकिन दोनों एक ही साइज़ का था। और एक दिन पहले ही आया था मछली वाला लेकर, लेकिन उस दिन नहीं लिए थे क्योंकि बृहस्पतिवार को हम लोगों को घर में नहीं खाया जाता है फ्रेंड, बृहस्पतिवार मंगलवार ये जो होता है उस दिन नहीं खाया जाता है। और ये सैटरडे का ब्लॉग है, तो सैटरडे का ब्लॉग है और ये ब्लॉग आप लोगों को देर से पहुंच रहा है क्योंकि लेट हो जाता है एडिटिंग करने में भी, और सो यहाँ पे जब से आई हूँ तब से सोई ही रहती हूँ, ज़्यादा मैं इधर उधर नहीं करती हूँ। और उसके बाद में मछली लिया गया था, तो यहाँ पे मम्मी लोग का फ्रेंड लोग आते रहती है, तो बगल की एक आई थी तो उसी से मम्मी बात कर रही थी, तब तक मैं इधर झींगा को छील कर काट दे रही हूँ, फिर उसके बाद में मम्मी झींगा का सब्जी बनाएगी और मछली बनाएगी, तभी बैठी हुई है मम्मी लोग से। मम्मी की फ्रेंड लोग आते रहती है, कोई लगती है बेटी लगती है, कोई दोस्त लोग लगती है, वो सब आते रहती है। तो यहाँ पे देखिए मम्मी आ गई और मम्मी का पानी गर्म हो रहा था, अभी पानी चढ़ा दी थी कि मछली बनने से पहले ही चावल बनेगा उससे पहले ही पानी डाल दी, ग्रेवी में डालने के लिए गर्म पानी पहले से ही रख लेती है गर्म करके, क्योंकि चूल्हा में ताव जाते रहता है तो वो पहले ही करके रख लेती है, उस समय गर्म करने का ज़्यादा देर नहीं लगेगा, तुरंत ही हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं झींगा को छील ले रही थी और उसके बाद मम्मी का वो जो आई थी वो चली गई, और यहाँ पर मम्मी प्याज लेकर आई है काट कर डालेगी झींगा में, तो चिलोही जो है सो मम्मी ले ली है और उसी से प्याज काट रही है, तो प्याज को धो ली। और ये देखिए अभी गई नहीं थी, डेहरी में थी, चल गई थी, फिर आकर इधर भेंट करके बोलकर चली गई कि जा रहे हैं, गई थी। उसकी बहन भी यहीं पर रहती है, मम्मी का जो आई थी अभी भेंट करने के लिए उसकी बहन भी बगल में ही रहती है, तो बहन के पास गई थी और उसके बाद फिर आकर फिर से गई,
तो अब चली गई है और यहाँ मम्मी अपना काम में लग गई है, क्योंकि कोई भी काम करेगा तो उसमें बैठे रही तो काम नहीं होगा ना, तो इस वजह से मम्मी अपना काम में लग गई। और यहाँ पर देखिए छोटी आ गई बात करने के लिए। छोटी ये सब जल्दी उठ जाती है, अभी जब से मैं आई हूँ तब से जल्दी उठ जा रही है। और यहाँ पे गोलू भी आ गया है, गोलू भी सबको अभी घर में ही है, पापा अभी नहीं है घर में, पापा चल गए हैं सुबह में ही। तो 8:30 हो रहा है फ्रेंड, तो पापा सुबह में ही निकल जाते हैं नाश्ता करके और उसके बाद दोपहर में आते हैं। तो यहाँ पे देखिए गोलू और छोटी यहाँ दोनों बात कर रहे हैं और उसके बाद में गोलू यहाँ पे बैठ के बात करेगा भाई। तब लोग सब यहाँ पे, मैं सब्जी काट रही थी, मम्मी उधर सब्जी के लिए कढ़ाई चढ़ाई है, तो मैं सबको यहाँ पे मिलकर बात कर रहे थे। और यहाँ पे देखिए काम निपट जाएगा, जल्दी जल्दी हो जाता है, जो थोड़ा बहुत देखते हैं तो थोड़ा बहुत कर देती हूँ मैं भी। तो यहाँ पे देखिए गोलू भी बैठ गया है। और इधर अभी तो गर्मी बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है फ्रेंड्स, गर्मी से हालत ख़राब हो गया है, गर्मी सभी जगह अभी बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए मैं झींगा धो लिया, मम्मी ले ली है क्योंकि वहाँ प्याज भून रही थी, सो प्याज भून गया है। अभी हम लोग सभी भाई बहन और मम्मी सभी लगे हुए हैं गप्पा मारने में, गप्पा वो चल रहा था, इधर सब्जी भी काट रही थी और गप्पा भी मारे जा रही थी। तो यहाँ पे मम्मी भी मार रही है गप्पा, ये लोग तीनों को देखिए यहाँ पे गप चल रहा है। और छोटी देख रही थी कि कैमरा मेरे तरफ है, गोलू उठ के चला गया था फ्रेंड। तो फिर ये देखिए छोटी का जो दोस्त लोग है सो आ गई है, ये लोग दोनों बहन है, मौसेरी बहन है ये लोग दोनों, तो ये लोग दोनों छोटी के पास ही आके बैठी रहती है, दिन भर आते जाते रहती है और एक मेरी बेटी के साथ खेलती है। तो ये बच्ची का आँख देखिए कैसे ही करती है, एकदम मिटा देती है बहुत ही अच्छा तरह से। और यहाँ टिया आकर अपना नानी के गोद में बैठ गई है और यहाँ देखिए ये कैसे कर रही है, टिया के साथ खेलती है ये बहुत ही अच्छा तरह से। और इसका नाम अंशिका है फ्रेंड्स। तो यहाँ मम्मी सब्जी बना ली थी और उसके बाद में यहाँ पे देखिए मछली छान रही है, और एक बार छान ली है दूसरे बार डाली है। तो मछली यहाँ पे छान कर, और हम लोग भुंजिया भी खाए थे, भुंजिया खाए थे हम, गोलू पापा सबको के लिए भुंजिया रखा गया था, पापा भी भुंजिया खा के भुंजिया उनके लिए रखा गया, गोलू भी भुंजिया खाया था और हम भी खाए थे। और इसमें मछली लिए थे फ्रेंड, तो इसमें बहुत सारा अंडा था तो वो वाला भुंजिया ही हम लोग खाए थे। तो यहाँ पे देखिए मम्मी मसाला वसाला डाल दी थी, मैं ग्रेवी मसाला जो था वो वाला मैं नहीं देखी थी, उसके बाद में मैं बाद में आई यहाँ वीडियो बनाने के लिए। और यहाँ पे सिंक में डाला हुआ था बर्तन, तो मम्मी ले गई है बाथरूम में धोने के लिए। और यहाँ पे मछली का जो ग्रेवी है मैं उतार दे रही हूँ क्योंकि ये हो गया है। और देखिए ये ग्रेवी बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में फ्रेंड, बहुत ही अच्छा से टेस्टी बना था खाने में। मम्मी मेरा खाना बहुत ही अच्छा बनाती है हर चीज़, और अच्छा लगता है खाने में। और यहाँ पे देखिए गोलू यहीं पर खाना खाया और यहीं पे मोबाइल चलाने लगा था। और यहाँ देखिए ये दोपहर का समय हो गया फ्रेंड, तो दोपहर में यहाँ पे टिया भी है, पापा भी आ गए थे, 12 बजे का है लगभग, मुझे जहाँ तक हो सका मैं वहाँ वीडियो शूट की हूँ। और इसके बाद देखिए यहाँ पे मम्मी खाना निकाल रही है, सब कुछ धो ली थी, बर्तन वगैरह सबको साफ़ कर ली थी, और उसके बाद में मैं और मेरी मम्मी सब खाएंगे। और यहाँ पे टिया देखिए आ गई है अपना कलर पेंट करके, माँ से अपना नया कलर पेंट कर लिवाई है, वहाँ से आई थी दादी घर से, तभी बोली थी कि माँ से लिवाएंगे हम नया कलर पेंट, तो यहाँ पर आते के साथ ही माँ से लिवा ली थी, तो उसी से करती है। और यहाँ पे मम्मी खाना निकाल ली थी और हम लोग खाना हो गया था फ्रेंड। और ये शाम का समय था तो मैं दूध लाने के लिए आज मैं ही चल गई थी, और यहाँ पे मेरी मम्मी लोग के फ्रेंड लोग बैठे हुए हैं, इन्हीं लोग के साथ मैं गई थी। तो यहाँ गोलू बना रहा था मेरी बेटी का वीडियो कि तुम्हारे पापा पास भेज दें, तुम ज़्यादा बदमाशी कर रही है, और इधर हम बना रहे थे। और उसके बाद में वो सब हो गया था फ्रेंड। और ये 6 बजे का है तो शाम के समय बगल में ही है तो आ जाती है छोटी के पास इसी तरह बैठने के लिए, तो वो भी थी साथ में, उसको भी जाना था। अरे ये बोली कि हमको रास्ता में उतार दीजिएगा, तो आते समय इसको उतार दिए थे और साथ में जहाँ तक गया गोलू वहाँ तक हम लोग गए थे, तो देख सकते हैं। तो वीडियो रास्ता में देखे फ्रेंड, मैं इतना ही बनाई, ज़्यादा रास्ता में बहुत कोई अभी अच्छा नहीं लगता है, देखिएगा वीडियो बना रहा है तो इस वजह से अभी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए ज़्यादा मैं वीडियो नहीं शूट की थी, लेकिन जहाँ जहाँ हो सका मैं वहाँ वहाँ की हूँ। और अगर आप लोगों को कैसा मेरा ब्लॉग लग रहा है फ्रेंड, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और
और अभी मैं इसी तरह भी वीडियो है फ्रेंड, अभी एडिटिंग मैं नहीं की हूँ, तो मैं एडिटिंग करके मैं डालूँगी, टाइम मिलता है तो मैं कर लेती हूँ। ऐसे ज़्यादातर मैं यहाँ पर ज़्यादा अधिकतर सो ही रहती हूँ, क्योंकि टिया भी अपना खेलते रहती है, मम्मी लोग ध्यान देती है उसको, तो मैं आराम करती रहती हूँ। और सुबह में लेट हो जाता है सो के उठने में, जिस दिन मैं जल्दी उठती हूँ उसी दिन मैं ब्लॉग बना पाती हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे शाम हो गया है फ्रेंड, तो जहाँ पे मैं जा रही थी बस स्टैंड है हम लोग का, उधर ही जा रही थी हम लोग, तो यहाँ पे काली माँ का मंदिर है, तो ये रास्ता में ही पड़ता है बस स्टैंड का, तो बस स्टैंड की तरफ गए थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना शाम हो गया है, 6:30-7:30 हो गया था, फिर भी ज़्यादा रात नहीं हुआ था फ्रेंड, तुरंत ही आ गए थे। और यहाँ पर साइड रास्ता पे देखिए सब्जी वाला लगाया रहता है, बहुत ही अच्छा लगता है, मार्केट की तरह लगा हुआ रहता है। और मेरा वीडियो आज तक का यही तक रहेगा फ्रेंड। हेलो फ्रेंड्स, देखिए अभी हम लोग घूर कर आए हैं और घूम फिर कर आए, और वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। माइका ब्लॉग कैसा लग रहा है आप लोगों को, टिया आप लोगों को देखिए कुछ बोलना चाहती है, बोलो। हाय फ्रेंड, मेरा नाम है जानवी और वीडियो बनाती हूँ हमेशा मैं मम्मी के साथ। शर्मा रही है। और बाय 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 गुड बाय 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 गुड बाय 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 गुड बाय।